पेज नंबर 88 ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड 26 ऑफ इंग्लिश बुक, ठीक है। सभी को ओपन करके रखेंगे और ये दिस और दैट वाले सेंटेंसेस हैं जो हमने नोटबुक में करे थे, ठीक है। बोलो बेटा, बोलो बेटा। आप पेज नंबर दिखाओगे? हाँ जी बच्चे, ये देखो ये 88। ओके, वी आर स्टार्टिंग नाउ बेटा, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। Everyone has opened page number 8. Person or animals are near to us. Then we use this. And when things are far away from us, then we use that. ठीक है, जब चीजें हमारे पास होती हैं, उनको point करें ना football, तो ये कैसे बोलेगा? This is my football. और वो kite दूर है। ये देखो यहाँ पे। दूर है ना? पॉल ऐसे ये kite. तो वो क्या बोलेगा? That is my kite, है ना? And here this is my bookshelf. ये इस girl की bookshelf है, वो दिखा रही है कि this is my bookshelf and that is my watch. Watch दूर है तो बोल रही है that is my watch. ठीक है, अब हमने ये एक्सरसाइज करनी है. ओके, तो जिनमें छोटा एरो बना हुआ है इट मीन वो चीजें पास है, और जिनमें is a deer. अब एरो देखो कैसा है. This is a deer. Yes, this is a deer. अब that is a horse. That is a horse. That is a horse. अब भेजेगा. ठीक है? कर लोगे ना? Will you do it? उत्कर्ष, ले आ, मैं फोटो सेंड करूंगी इसका आपको, ठीक है? दिस और दैट वाला पेज है, और ये दोनों पेज एक्सरसाइज के टेस्ट भी दे दूंगी, ठीक है? इसको सिर्फ रीड करना था. अभी यहाँ पे देखो C2 अंडरलाइन द, ठीक है? दैट स्टार इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. नंबर 2 देखो, फार गिवन दो इट इज फार अवे. यहाँ तो पहले ही बता दिया है कि वो बहुत दूर है, मैं फार अलाउड नोट हाउ चीता. यहाँ पे भी ई साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ए. पेन में कौन सा साउंड दे रहा है? ई. A cheetah has spots on its body. ठीक है? फिर the bird lives in a nest. Nest. Nest में भी E कौन सा sound दे रहा है? A sound दे रहा है. Nest. फिर my father loves me. Me. यहाँ पे भी E sound आ रहा है. Tree और me. ठीक है? करो. जैसे M I C E my, जिसके राइमिंग वर्ड्स की तरह जो साउंड आ रहे हैं उनको सर्कल करना है. म आ ई स माइस, ठीक है? अब यहाँ पे देखो राइस, माइस, राइस. सेम जो भी आपका नाम है, जैसे अनाइता ने भेजा अभी कि गुड मॉर्निंग आई एम अनाइता, या माय नेम इज अनाइता. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हेल्दी फूड हैबिट्स. ऐसे बोलना है, ऐसे स्टार्ट करना है आपने. कैसे?
है. हेलो, माय नेम इज दिस एंड दिस, जो भी है आपका नाम. जैसे मैं बोलूंगी कि हेलो माय नेम इज सोनिका, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट